गाइस हमने जय महाकाल, जय श्री महाकाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ, पटना टू दार्जिलिंग। एंड मैं, मेरी मम्मी और हमारे घर के कुछ और लोग हैं, सब लोग जा रहे हैं। एंड हम लोग अभी निकले हैं पटना से। अभी टाइम हो रहा है 4:20 हो रहा है और अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं। और जैसा ऐसा जर्नी आप लोग जुड़े रहें, बने रहें और फिर सारा चीज़ आप लोग बताते हैं, दिखाते हैं और इंजॉय कराते हैं। तो और इसमें सारा कुछ, इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगा कि पटना टू दार्जिलिंग कैसे जाना है, क्या रूट है, कौन सा ढाबा, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग आई विल टेल यू। मतलब एक एक चीज़ हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि जिसमें आप लोग इन फ्यूचर आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो जाने में। और ये चलो तब बढ़ रहे हैं आगे, चलो फिर आगे बनाता हूँ। तो गाइज हम लोगों ने बख्तियारपुर रोड पकड़ लिया है, वाया बख्तियारपुर हम लोग जा रहे हैं। इसमें हम लोग बाढ़ वड़ होते हुए अररिया, फिर अररिया के बाद आपको अररिया के बाद था किशनगंज, नहीं सहरसा, फिर पूर्णिया और फिर आपको किशनगंज। ऐसे होते हम लोग वाया जा रहे हैं और देखते हैं। टोटल 450 किलोमीटर की जर्नी है चिलीगुड़ी तक, और दार्जिलिंग तक है 555। देखते हैं कितने टाइम में हम लोगों ने कवर करते हैं इसको। अभी बज रहा है 5 और हम लोग बख्तियारपुर टॉल पार कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज ये देखिए, अभी जा रहे हैं हम लोग, बाढ़ पार किए हैं और कितना प्यारा व्यू है यार, कितना प्यारा व्यू है, मतलब मजा आ रहा है। सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं और काफी अच्छे से एकदम इस रोड का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये देखो गाइस, है ना मजेदार। ये NH31 है, नेशनल हाईवे 31। आप जब भी सिलीगुड़ी के लिए जाओ तो दो ही हाईवे आप लेना, NH27, NH31, यही दो हाईवे से आप चलते चलो आप सिलीगुड़ी पहुंचोगे, नो थर्ड, ठीक है। और ये देखो यार कितना प्यारा रोड है यार, नहीं काम तो किया यार गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा काम किया है नो डाउट। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अभी तो बिहार में इतनी गर्मी पड़ रही है और मैं अभी ठंडी वादियों में जाने वाला हूँ, नहीं पता भाई, बस तो एक्साइटेड, मेरी मम्मी भी एक्साइटेड है। देखते हैं क्या होता है वहाँ पहुँचने के बाद, बर्फ ही बर्फ या बारिश, क्योंकि जैसा कि न्यूज़ में सुना था कि बारिश का माहौल है। देखो कुत्ते कैसे आते हैं, देखे ना गाइस, बच के चलना यार, जानवरों से प्यार होता है यार, इनको बचा लो हाईवे पे। ट्रक वाले तो नहीं सुनते, उनकी मजबूरी भी होती है, ओवरलोड होते हैं, मारेंगे ब्रेक तो वो खुद गिर जाएंगे, लेकिन आपकी तो गाड़ी होती है ना, कारें होती हैं, तो आप लोग प्लीज ब्रेक लेके रोक लिया करें, क्योंकि ये जानवर है भाई, तो ध्यान रखना पड़ता है। और गाइज यार ये बेगूसराय के पास जो ये पुल है ना यार, इसके अभी नहीं पता कब बनेगा, इसके वजह से ये वन वे किए हुए, 10 मिनट उधर वाले को, 10 मिनट इधर वाले को, यहाँ पर नहीं पता क्या है, काफी टाइम लगा रहा है और जिसके कारण हम लोग वेट कर रहे हैं 10 मिनट करके, यार लगता है 20 मिनट हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, अगर आप लोग कुछ टाइम बाद या महीने बाद आओगे तो हो सकता है मे भी बन जाए, तो लकी होगे, अभी तो लकी नहीं है, अभी तो इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं यार। गाइस अभी बेगूसराय वाला वो ट्रैफिक से निकले हैं फाइनली, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू सिलीगुड़ी। एंड अभी हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर हाईवे मिला है, बहुत प्यारा, आराम से जा रहे हैं यार। स्पीड लिमिट मैं 60-80 को मेंटेन करके चल रहा हूँ, और ऐसा ही चलो यार, जब भी अपने फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो और अकेले भी कर रहे हो तो 60-70-80 यही क्रूज स्पीड में अपना चलिए, कहते हैं ना जल से अच्छा दे रहे हैं। और ये देखिए घुमा रहे हैं भाई साहब, रुक जाओ भैया, जाने दो, जान दो, जान दो। और ये जा रहे हैं हम लोग आगे। अब देखिए ये लोग आम तोड़ के ही पेड़ से खाया गया है, यहीं पर बगीचा था। अच्छा ठीक है, वहां से तोड़ के लाए हैं, देखिए मम्मी आम खा रही है। गाइस ये जर्नी में आम भी तोड़ना पड़ गया। वो हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए यार, वो भी कर लेना चाहिए था, गलती हो गया। बेगूसराय का मीठा आम खाओ भैया तोड़ तोड़ के। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। गाइस यार ये देख के बड़ा मन प्रसन्न हो गया यार, क्या रोड है यार भाई साहब, और क्या पेड़ हरियाली। गाइस इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ यार, पेड़ लगाओ, और आने वाले जो हमारा भविष्य है, हमारा जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन, उनके लिए सही करो यार, नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग है ना, इंसान की खत्म हो जाएगा एक लेवल, एक टाइम पे जाके पेड़ लगाओ यार, पेड़ बहुत जरूरी। इधर कितना अच्छा मौसम फील हो रहा है ना, क्या बताऊं मैं, इतना अच्छा सुनहरा सफ़,
यार माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक साफ यार, देखो देखो पेड़ की मूवमेंट देखो यार कितना प्यारा है, मजा आ रहा ना, इसलिए मैं बोल रहा था देखो कितना मजेदार है दोनों साइड से यार, कसम से दिल जीत लिया यार इस रोड ने, कसम से दिल जीत लिया। अब तो साला पटना से लगता है लॉन्ग ड्राइव इधर ही होगा। क्या ग्रीनरी है यार, क्या ग्रीनरी है, ये फील आता है यार। सो गाइस अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था यार, थोड़ा सा घर से ही मम्मी वगैरह ने पूरी भुजिया वगैरह लाई थी तो खाए हैं। अब इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं यार, जूस वूस सोच रहा हूँ कहीं मिले पिए वगैरह कि थोड़ा सा बॉडी हाइड्रेट रहे, क्योंकि गर्मी का दिन अब आए और धूप काफ़ी सनराइज हो चुकी है और काफ़ी मात्रा में बाहर ह्यूमिडिटी है। अब देखते हैं कहीं कुछ मिलता है तो फिर हम लोग पीते खाते हैं फिर आगे विराजमान करते हैं। तो गाइस ये देख लो यार नज़ारा, मैं आप लोग के लिए नज़ारा दिखा रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, कसम से ये ना देखा तो फिर क्या देखा यार, क्या मज़े ही मज़े हैं यार। गाइस मक्के का जो पेड़ पौधा है ये देख लो, ये जो भी है सूखा हुआ और इसका बना के ना बाद में पेड़ा दिखता है इस जगह पे, ये चीज़ बहुत फेमस है। देखो दोनों साइड आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो मक्के का ये क्या बेहतरीन व्यू है गाइस, यार रहा नहीं गया मुझे, मैंने कहा कि नहीं अब तो दिखाना पड़ेगा इन लोगों को वीडियो, मेरे व्यूवर्स बोलेंगे कि क्या यार दिखाए नहीं तुम, हाँ सिलीगुड़ी गए मज़ा नहीं दिया यार दार्जिलिंग वाला। तो गाइस ये देखो व्यू, वाह वाह, बिहार में भी है यार अपने अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट, देखो कितना प्यारा लग रहा है, हरियाली की बात ही अलग है भाई सच्ची में बॉस। और गाइस हम लोग यहाँ पे चाय पीते हुए इस ढाबा पे रुके हैं और गाड़ी का भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसलिए खोल दिया यार, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है यार, बहुत मतलब इतना हीट हो रहा है कि पूछो मत यार, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा ये कर दूँ, गाड़ी भी ठंडा हो जाएगा और इन्वायरमेंट भी अच्छा है, मज़ा आ रहा है ठीक है, लेकिन धूप काफ़ी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी ठीक है, चाय वाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं। गाइज ये देखो खाली केला का पेड़ का खेती इधर है भाई, खाली केला का साला, इधर भी हम लोग सोच रहे थे केवल हाजीपुर में होता है लेकिन यहाँ तो भी पूर्णिया के आसपास में भी देखो खाली केला का खेती हो रहा है भाई, देखो गाइज देखो हाजीपुर से ज्यादा यहाँ है देखा जाए तो, देखो आप लोग यार गाइज सच में देखो यार अनबिलीवेबल, पटना में कितनी गर्मी थी यार और उस गर्मी के तपन से हम लोग यहाँ भागे हैं और सही में देखो यार पूर्णिया में देखो क्या मौसम है यार, क्या मौसम है गाइस, बिल्कुल भी धूप नहीं, वाह यार यहीं से माहौल बनने लगा दार्जिलिंग वाला, देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो हम लोग क्या खा रहे हो, मम्मी ये ले रही है क्या इसको बोलते हैं मम्मी, तार का 20 का देखिए 10 का 4 दे रहा है। अब गाइज हमारे यहाँ तो इसे तार का कोबा बोला जाता है, अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है प्लीज़ वो कमेंट करके प्लीज़ 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 पिन करें, मुझे भी जानना है कि आप लोग यहाँ इसको क्या कहा जाता है। तो गाइज फाइनली अभी टॉल पार हुआ है पूर्णिया वाला एंड आफ्टर दैट हमने लंच कर लिया यार, बहुत काफ़ी भूख लगी हुई थी, पनीर और जीरा फ्राइड राइस हमने खाया अभी और खाने के बाद अभी आगे बढ़ रहे हैं इस रूट पर, देखो क्या मौसम है आप लोग देखो, देखो कितना प्यारा मौसम है, आप ही लोग देखो खुद आप लोग बताओ कितना प्यारा मौसम लग रहा है यार, पटना में धूप और ये यहाँ छाँव, ओह माय गॉड मज़ा आ गया सीरियसली। एंड अभी बढ़ते जा रहे हैं गाइस, जैसे जैसे करीब आ रही है मंजिल वैसे वैसे ठंडापन बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है, आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैं जल्दी पहुँचूँ वहाँ और दार्जिलिंग का मज़ा लूँगी। गाइस फाइनली हम लोग बंगाल में इंटर कर गए, लास्ट स्टॉल दिया वहाँ पे, करीबन करीबन पास स्टॉल दिया यार हम लोगों ने, पास स्टॉल से कम नहीं दिया। And after that we entered in the West Bengal zone and we are moving towards Siliguri. And उसके बाद फिर देखता हूँ क्या प्लान होता है, खुद की गाड़ी से ऊपर जाना है या फिर वहाँ पर कैब लेते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द टाइमिंग कि क्या टाइमिंग होती है, अभी इट्स अराउंड 1:35 है, ओके लेट्स सी क्या होता है क्या गाइज, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा डिसाइड करके जो भी होगा डिसीजन। एंड बहुत प्यारा मौसम है गाइज देखो ना यार, मज़ा आ गया देख के, काश ये मौसम पटना में कब आ जाता यार। तो गाइस हम लोग तो जा ही रहे हैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, बट ये जो मौसम देख कितना बेहतरीन लग रहा है यार क्या बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमिडिटी
ही है, अभी तो मैंने एसी बंद कर दिया है, अभी हम लोगों ने सोचा कि फ्रेश एयर लेते हैं यहाँ पे, एंड फ्रेश एयर लेने के लिए अभी हम लोगों ने विंडो ओपन कर दिया है, एंड ठंडी हवा आ रही है, नो डाउट ठंडी हवा आ रही है, एंड चिल आउट वाला मौसम है एकदम पूरा। और मुझे लगता है कि हमें कम से कम 4-4:30 बज जाएगा पहुँचते सिलीगुड़ी, एंड अप्रॉक्स 12 आवर्स तो है यार, ये 12 आवर की तो जर्नी है, इससे कम की नहीं है। इसमें आपको 4-5 स्टॉल मिलेंगे अराउंड 455 किलोमीटर अराउंड सिलीगुड़ी या पटना टू, जिसमें आपको 2 NH है 27 और 31, जो कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको पकड़ के ही चलना है। और हमें दो रास्ते, एक मुजफ्फरपुर वाया दरभंगा होके भी है, लेकिन उसमें है ना कि बीच में एक जगह पे ना 40 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन रोड चल रहा है, तो जिसमें आपको क्या दिक्कत है कि आपको 1 घंटा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप जो इधर से आ रहे हो बख्तियारपुर बाढ़ कटिहार अररिया ऐसा होते हुए तो पूर्णिया होते हुए, तो इसमें आपको क्या है कि आपका 1 घंटा बच जाएगा और इधर का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक वेस्ट बंगाल इंटर कर चुका हूँ, मुझे कहीं रोड ऐसा थोड़ा बड़ा माइनर तो सभी जगह होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। गाइस, तो बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, किशनगंज, और ये किशनगंज रोड से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये देखो मौसम गाइस, आज बिलीव हो गया, देखो ये देखो यार रोड की हालत तो सारा क्या बताऊं मैं, थोड़ा गड़बड़ है यार इधर, लेकिन हाँ मौसम देखो यार, गजब मजा आ रहा है, कसम से मजा आ रहा है, लग रहा है इस रोड पे दौड़ूं और दौड़ के पहुंच जाऊं दार्जिलिंग, इतना एक्साइटमेंट हो रही है। अरे यार भाई यार ऐसे मत काट यार पेड़ यार, बहुत दर्द होता है, इसी हरियाली की वजह से तो आज यहाँ देखो हम लोग आए हैं, और ये बादल दिख रहा है, मत काट भाई, वाह मत बना पटना इसको, पटना में तो गर्मी ऑलरेडी इसी कटने की वजह से, छटनी की वजह से है। हाय पप्पी, कितना प्यारा प्यारा डॉगी है यार, कसम से कितने प्यारे प्यारे हैं, सब हालो आचे ठीक है, हाँ सब ठीक है, बेचारा कितना प्यारा है यार, वाह बहुत प्यारा, और सबसे ज़्यादा प्यारा तो मुझे वो लग रहा है, देखो वो वाला देखो डैट, वाह फरी वन, आई लव डॉग्स यार, आई लव एनिमल्स यार, डॉग्स हो घोड़ा हो हाथी हो सब पसंद है। और गाइस ये देखो यार व्यू यार, मैं आप लोग का अल्टीमेट, अब आप लोग पक्का बैक करोगे, कहोगे चलो सारा दार्जिलिंग घूम के आते हैं, इस गर्मी से राहत मिलने अगर लेना है तो, क्योंकि देख ही रहे हो आप लोग, वाह यार क्या अल्टीमेट प्लेस है, मज़ा आ गया, मतलब अप्रॉक्स 12 आवर्स हम लोग को लगा, 15-20 मिनट बाद 12 आवर अप्रॉक्स हो जाएगा और हम लोग पहुँच भी जाएंगे, 30-20 किलोमीटर बचा है शायद, तो ज़्यादा है नहीं, तो वी रीच टू सिलीगुड़ी, एंड देखिए कितना प्यारा व्यू है, बस देखते जाइए, और ये देखो गाइज चाय बगान हम लोग को मिल गया है, अरे यार मैं दिखा नहीं पा रहा, हाँ ये देखिए गाइज स्टार्टिंग हो गया चाय बगान का, आज आप लोग को तरह तरह की वैरायटीज की चाय पत्ती दिखाता हूँ। तो गाइज अभी हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं टोटो पकड़ के, देखिए टोटो का मजा मेरी मम्मी लेती हुई चेहरे पे स्माइल टोटो पर बैठ कर हवा हवाई, और ये सिलीगुड़ी की गलियों में घूम रहे हैं अभी हम लोग, और यहाँ से हम लोग कैब लेंगे फिर दार्जिलिंग के लिए। जय माँ जय माँ, ये नज़ारा है सिलीगुड़ी का, बहुत अच्छा नज़ारा सिलीगुड़ी का। तो गाइज अभी हम लोग सिलीगुड़ी से निकल रहे हैं, कैब कर लिया हम लोगों ने, ऐसा तो सोचे थे कि खुद के गाड़ी से जाते ऊपर, लेकिन हमने सिलीगुड़ी में गाड़ी पार्क कर लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हिली एरिया, नाइट भी हो रहा है, तो मम्मा ने बोला कि नहीं यार मत चलाओ कैब कर लो, तो हम लोग कैब कर लिए, और ये हमारे सहदेव भाई हैं, ये हमें पहुंचाएंगे ऊपर 3 घंटे में, और दार्जिलिंग का जैसा भी होगा मैं कल आप लोग को बताता हूँ दिखाता हूँ, आप लोग बने रहना ब्लॉग में और अंतिम तक बने रहना यार गाइस, और लाइक शेयर करो यार, आप लोग करते नहीं इसलिए मैं पता ब्लॉग एकदम स्लो कर दिया हूँ, क्या करूँ लाइक शेयर आता नहीं, मोटिवेशन ही नहीं मिलता ना आप लोगों का, मोटिवेशन में तब तो मज़ा आए ना कुछ भी। और ये देखिए यार ट्रैफिक बहुत है यार, बहुत ही टोटो वाले से तो मैं बहुत, बाप रे बाप इतने टोटो चलते हैं ना यार, लगता है पूरा इंडिया टोटो टोटो छाप हो गया है साला, जिधर देखो टोटो जिधर देखो टोटो, बाप रे बाप बहुत 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 तो सदे भी अभी बोल रहे हैं बहुत दिक्कत होता है इन लोगों से, तो वही चीज़ है, तो हम लोग ऐसे फिर भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा जगह है, मज़ा आ रहा है, ये मौसम तो हम लोग को पूर्णिया से ही, जैसा मैंने ब्लॉग में दिखाया ही आप लोगों को, पूर्णिया से ही मौसम मुझे बहुत बेहतरीन मिला, एंड अभी हल्की हल्की बारिश की संभावना लग रही है, लेकिन हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वी आर गोइंग, ठीक है चलिए हम लोग जैसे जैसे आपको घाटियों का
अगर नजर आती है, अंधेरा नहीं रहता है, तो मैं घाटी का भी आप लोगों को वीडियोस दिखाने की कोशिश करूंगा। बने रहना यार गाइज आप लोग। गाइज अब घाटी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। अब देखो यार अभी से माहौल बन गया। ओह माय गॉड, जंगल में मंगल। माय गॉड मजा आ रहा है यार, वेरी एक्साइटिंग, एडवेंचरर हो रहा है पूरा। अब गलती से हाथी वाथी आकर भाई हाय भाई कर दिया शेर वेर तो हो गया कल्याण। हाथी तो दिखता है सिंह में भी आता है कभी कभी। उस दिन उधर थोड़ा आगे दो बच्चे था और पास तीन तीन बड़ा वाला था। अच्छा बड़ा वाला हाथी हाथी गाइज, ये सुखना जंगल है, सुखना जंगल यहाँ गाइज। और ये गाइज सुखना जंगल से हम लोग आगे निकल रहे हैं और ये देखिए जा रहे हैं। सजाद भाई ने जैसा बताया कि हाथी वाथी घूमने आता है, शेर वेर चीता वीता भी आता है। यार गलती से हम लोग को हाई ना कर दे। लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं, इट्स सो एडवेंचर यार, मजा आ गया। जैसी घाटी स्टार्ट होता है वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और जैसे ही कुछ खबर मिलती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल चलते चलते जर्नी पिगन्स पे। गाइस वो देखो घाटी, वो पहाड़, उसी पहाड़ पे जाना है हम लोगों को। अगर आप लोगों को हल्का हल्का दिख पा रहा हो तो देख लो, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। वो देखो लाइट दिख रहा है हल्का हल्का ऊपर में, वही है गाइस। यही हमारा ये फर्स्ट टॉल जो है घाटी का, ये स्टार्ट होता है। एक ही टॉल है लेकिन देखिए यार रात का टाइम है गाइस, आप लोगों को दिखा नहीं पा, लेकिन हाँ लौटते समय पक्का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये हरी हरी वादियाँ। वाओ क्या यार, क्या भौकाल है, मजा आ गया एकदम, कितना प्यारा है मौसम यार। और गाइस देखो अभी हम लोग ये खा रहे हैं, इसमें दही भी था लेकिन हमने खा लिया। ये है पराठा, आलू का पराठा विद छोला। और मेरी मम्मी खाने के बाद नाइट वॉक का आनंद लेते हुए। क्या व्यू है यार यहाँ पर का। हम लोग ने यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे अभी इस ढाबे पे, और हम लोग यहाँ से फिर सीधा चढ़ाई करेंगे, क्योंकि फिर क्योंकि पता चला सजाद भाई ने बताया कि ऊपर में खाना मिलेगा नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह सारा बंद हो जाता है 9 बजे के बाद। तो गाइज जब भी आना है यहाँ तो यार अगर 9 बजे से पहले पहुँच जाओगे दार्जिलिंग तो खा लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 9-10 बजे तक पहुँच रहे हो सपोज़, तो फिर भाई खा के ही जाना नीचे ही सिलीगुड़ी या फिर घाटी में ही खा लेना, क्योंकि फिर ऊपर में कुछ नहीं मिलने वाला है जैसा हमें बताया गया। तो ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग भी, ठीक है। काफ़ी अच्छा व्यू है, देखो गाड़ियाँ जा रही। हेलो भाई, यार देखो कैसे पकड़ने में लग रहा है कि साला मैं झूला पे बैठा हूँ डिज्नीलैंड का। यार ऐसे ऐसे गाड़ियाँ घूम रही है, देखो गाइज गाइज गाइज, ओ माय गॉड, ए बाबा, अरे बाप रे बाप, टर्निंग पूरा खाना पच जाएगा यार। अरे यार ओ माय गॉड, देख रहे हो गाइज आप लोग, बस देखते जाओ यार, फील करो यार आप लोग वीडियो में, पहले फील करो फिर यहाँ भी आके फील कर लेना। मैं तो फील कर रहा हूँ, मेरी तो फटी पड़ी है कसम से यार। ये क्या हो क्या रहा है भाई, बाप रे बाप, इतना टर्निंग, ओ हो बाबा, ओ बाबा, कितना खतरनाक टर्निंग है यार। और ये गाइस ये देखो जंगली जंगल, और यहाँ हो रहा है मंगल, देखो कैसे चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है यार, इतना चढ़ाई तो मैंने वैष्णो देवी में भी नहीं देखा। ये देखो, ओ माय गॉड, फक मैन, बाप रे बाप। वो डिज्नीलैंड वाला झूला पर जब नहीं बैठते हैं वो वाला पे जो डिस्को डांसर, ये वही डिस्को डांसर है, उसी चिल्ला रहा है हम लोग को, हे 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 हे, अरे बाप रे बाप। गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कोई वीएफएक्स इफेक्ट नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई है गाइस, सच्चाई है, फटी पड़ी है यार भैंस की आंख, ऐसा टर्निंग भाई, यहाँ वही गाड़ी चढ़ा सकता है जो पहले चलाया हो, कसम से बोलता हूँ, नहीं तो ज्यादा यहाँ शेरशाह सूरी बनने की कोशिश मत करना भाई। मैं भी सोचा था लेकिन नहीं, अच्छा किया कि मैं अपनी गाड़ी ऊपर नहीं लाया, बाबा नहीं चढ़ने वाली किसी की भी, क्या बाप, ओ माय गॉड, देख रो चढ़ाऊं कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे कैसे अंधेर कटिंग आ रही है यार, बाबा रे बाबा। देखो गाइस देखो 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 देखो, ओ माय गॉड, देखो सामने से ट्रक भी, अरे बाप रे, अरे बाबा। गाइस देखो यार फॉग, ये पूरा फॉग बन रहा है यार, अब जो ना पूरा धुआं निकल रहा है यार, दिख नहीं रहा आगे क्या है नहीं है,
बाप रे कितना रिस्की है यार। देखो गाइस देखो कितना रिस्की मोड है यार, कसम से यार बहुत रिस्की है। बाप रे बाप, हैट्स ऑफ टू यू साजाद भाई, आप क्या चलाते हो यार। गाइस देखो यार ये फॉग दिख ही नहीं रहा यार बाहर का, फिर भी इतना फॉग है। इसमें कौन चला पाएगा, हम आप चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाइएगा।